Hello beautiful people, welcome back to my channel. If you are watching this face for the very first time or if you haven't subscribed to my channel yet, then please go hit the red button below and join my YouTube fam. I am here in Noida, इसलिए आपको background ना लग रहा होगा. In fact, मैंने same कपड़ों में same जगह पे बैठ के आज पहली video भी shoot करी है अभी. तो अगर आपने वो देखी है तो आप समझ गए होंगे. अब बात करते हैं आज के video की. So this is going to be an Amazon finds video. आपने titles already पढ़ लिया होगा. And guess what? मैंने आज बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ज्यादा useful products ढूंढे हैं from Amazon. Under rupees 99, yes 99. And guess what, you guys? The biggest beauty shopping festival, that is Amazon's the beauty sale, is now live from 24th of November to 26th of November. और यहाँ आपको up to 60% off मिल जाएगा बहुत ही अच्छे अच्छे beauty brands के ऊपर and up to 50% off on top luxury brands. I hope आपको मजा भी आएगा video देखने में. So without wasting any more time, I think we should get started. Ignore my hair situation because अभी मैं कोई भी heating tools use नहीं कर रही बहुत time से. These are my naturally air dried hair, ऐसे ही दिखते हैं. तो चलो होगी बहुत सारी बातें, अब शुरू करते हैं video को. अब सबसे पहले ना, you will be surprised, मैंने एक eye shadow palette देखा. पता है Huda Beauty वगैरह का ऐसे dupe सा लग रहा था, वो था सिर्फ 97 rupees में. 97. ये वाला तो मैं खुद भी intrigued थी, मैं ऐसे curious थी कि कैसा ही आएगा, तो मैंने वो मंगाया है. चलो मैं आपको उसका review देती हूँ पहले proper. सबसे पहले ये वाला palette आया है और ये आया था इसके अंदर डला हुआ ऐसे, ठीक है. पैकेजिंग बहुत सही है 97 के हिसाब से. एंड आई ओपन इट तो अंदर ये ऐसे दिया हुआ था पूरा. प्लस दिस हैज अ मिरर एज वेल, लाइक 97 में मिरर भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात. ये पूरी इसकी कलर स्कीम है. अब आपको ना स्वॉचेस दिख जाएंगे स्क्रीन के ऊपर. अब मैं आपको बताती हूँ ये सारे ना लाइक फॉर 97 द क्वालिटी इज रियली गुड. बट इज दिस द बेस्ट आई शेडो पैलेट आई एवर यूज्ड? नॉट एट ऑल. फिनली द कलर्स आर लिटिल चोकी, ऐसे बहुत पाउडरी से एंड पिगमेंटेड भी बहुत ज्यादा नहीं है. बट लेकिन अगर आपको आता है अच्छे से ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना एंड यू कैन मेक एनी प्रोडक्ट वर्क अगर आप स्किल्स सही यूज करें तो, सो दिस कैन बी वन ऑफ देम. इफ यू हैव अ टाइट बजट, वेरी टाइट बजट, और आपको एक ही बार कुछ यूज करना है, ऐसे आपको इमरजेंसी कुछ या कुछ भी ऐसा सीन है, तब आप एक बार को कंसिडर कर सकते हैं लेना. बिकॉज इतना भी बुरा नहीं है, 97 के हिसाब से तो बहुत ज्यादा सही. आई डोंट नो इन्होंने कौन से इंग्रीडियंट्स यूज करे होंगे, मतलब आपके स्किन के लिए सही होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो. पहले मैं भी डरी थी थोड़ा यूज करने से, बट मैंने कर लिया. एंड ये जो मैंने यू कैन सी लाइक ऑन माई आईज, मैंने यही अप्लाई करा हुआ है. मैंने इसमें से ये वाली शिमर शेड अप्लाई करी है एंड मैंने ये दोनों शेड्स यूज करी है नॉर्मल मैट आई शेडो की तरह ट्रांजिशन पे और पूरा ऊपर. तो ये तीनों यूज करके मैंने ये वाली, आप देख सकते हैं ये वाली लुक क्रिएट करी है. जब आप मुझे ऐसे सामने से देखें, यू कैन नॉट टेल ऐसे देखने के बाद कि आई यूज दिस आई शेडो पैलेट. एंड ऑल्सो इसमें एक शेड तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, लाइक दिस शेड हेयर. Oh, this shade is really pretty. Look at this. चलो अब ये वाला तो हो गया जो मैंने बस एक्सपेरिमेंट करा था, वो मैंने लाइक आई गॉट डन विद इट. दिखाती हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स सही ब्रांड के, जो आप सुनते ही यू विल बी एश्योर्ड कि सही ही आएगा. मैंने एक ब्लश मंगाया है, दिस इज द वन. नाउ दिस इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स और ये भी आपको सिर्फ 68 रुपीज में मिल रहा है. मैंने शेड मंगाया 01 सॉफ्ट सैल्मन एंड आई डोंट नो अभी ये वाले शेड के अंदर अवेलेबल है या नहीं, बट और भी बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं इसके अंदर और आपको ये सिर्फ 68 रुपीज में मिल रहा है. अभी उसके हिसाब से वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड क्रीमी, बहुत इजीली ब्लेंड भी हो रहा है और एंड इट डिडंट इवन मूव माय मेकअप अंडरनेथ इट. मैंने बेस लगाया हुआ था उसको भी इसने मूव नहीं करा एंड आप देख सकते हैं अभी मैंने यही यूज करा हुआ है. मैं स्क्रीन के ऊपर दूंगी, मैंने शूट करा था वो भी. एंड ये ना कोरल सा शेड है, तो अगर आपकी स्पेशली आपकी अगर फेयर स्किन टोन है या मीडियम स्किन टोन है, आपको तो बहुत सूट करेगा. एंड अगर आपकी थोड़ी डीपर स्किन टोन है, तो मैं सजेस्ट करूंगी थोड़े और डार्कर कलर्स खरीदना इसमें. बट ऐसा कलर का मेरे पास था नहीं कोई ब्लश. आई एम रियली सरप्राइज, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इसमें. मूविंग ऑन, नाउ आई हैव दिस आई शेडो, बहुत छोटू सा क्यूट सा है, दिस इज द वन. एंड ये वेट एंड वाइल्ड वेट एंड वाइल्ड ब्रांड से है, विच इज अ रियली रियली गुड ब्रांड. एंड ऐसे गोल्डन से कलर के अंदर है. घर में शादी है, खुद से आप मेकअप कर रहे हैं, आपको एकदम ऐसे ग्लिटरी सा चाहिए, यू कैन यूज दिस. और ओ माई गॉड, दिस इज सो क्रीमी. जो आप वीडियो देख रहे होंगे ना स्क्रीन पे, उससे पहले मैंने एक स्वॉच कर लिया था आते ही, बिकॉज मुझसे रुका ही नहीं गया कि मैं जब शूट करूँ तब पहला स्वॉच करूँ. मुझसे इसको देख के रुका ही नहीं गया, लेकिन मैं सोची थोड़ा चौकी होगा देख के ऐसा लग रहा था. बट जब मैंने इसको स्वॉच करा, इतना ज्यादा क्रीमी, इतना इजिली ब्लेंड हो जाता है. अब क्योंकि मैंने ये वाला आई मेकअप करा हुआ, तो मैंने ये तो नहीं लगाया. आई मीन लुक एट दिस, ओ माय गॉड. अभी ना शिमर आई शेडो ग्लिटर आई शेडो के बीच में सा है, क्रीमी भी है बट छोटे छोटे ग्लिटर्स भी है, तो बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली अगर आपके घर वगैरह में शादी हो या आपकी खुद की शादी हो.
कोई फंक्शन वगैरह हो तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा, पार्टीज एंड ऑल। एंड ये आपको अराउंड 100 रुपीज तक मिल जाएगा। कई बार प्राइसेस 10-20 रुपीज ऊपर नीचे होते रहते हैं, 120-130 तक मैक्स, बट इसी रेंज के अंदर मिलेगा तो बहुत ही ज्यादा सही है ये। अब उसके बाद मैंने एक सीसी क्रीम खरीदी है, सो दिस इज फ्रॉम लैक्मे एंड दिस इज देयर 9-to-5 सीसी क्रीम, 01 बेज शेड के अंदर है। दिस शेड इज अ लिटिल लाइट फॉर मी, लेकिन ये ना थोड़ा अलग सा है। इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा क्रीमी है, फाउंडेशन की तरह ही हल्का टिंट दिखता है आपको, बट ऑलमोस्ट एक क्रीम की तरह ही है। तो जब आप इसको ब्लेंड करते हैं ना, जो लाइट दिख रहा होता है ना, वो नॉर्मल हो जाता है जब उसको ब्लेंड करते हैं। मतलब पहले देखने में ज्यादा लाइटर सा शेड लगता है। लेकिन आप इसके अंदर एक और शेड आता है कॉल्ड ब्रॉन्ज, आप वो भी खरीद सकते हैं। इस बहुत छोटू सी ऐसे पैकेजिंग क्यूब सी, और ये भी आपको कुछ 100 रुपीज तक मिल रही है। मतलब ऐसे क्रीमी बहुत हल्का टिंट और क्वालिटी भी अच्छी है, ओनली फॉर 99 रुपीज। एंड नेक्स्ट अप आई हैव अ नेल पेंट रिकमेंडेशन, सो दिस इज फ्रॉम नायका एंड दिस इज देयर मैट रेंज। एकदम मैट नेल पेंट्स ही मुझे अच्छी लगती है, ग्लॉसी तो आजकल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इतना सुंदर कलर है ना ये, ऐसे एकदम बेज ग्रेज सा कलर है, डार्क भी नहीं, बहुत वाइट भी नहीं है और क्रीम भी नहीं है, थोड़ा बेज से टोन में आता है। एंड आई विल गिव अ पिक्चर हियर, तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पे डाली थी ये पिक्चर। एंड इसमें ना मैंने पता क्या करा है, मैंने फेक नेल्स खरीदे थे, अमेज़न से ही खरीदे थे, बहुत सारे आते हैं और मैं कब से ही यूज कर रही हूँ इन्हें। एंड मैंने इसके साथ में एक नेल ग्लू लिया था फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड मिस क्लेयर, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इवन मेरी फ्रेंड ने यूज करा था, वो शी वाज सरप्राइज्ड कि एक हफ्ते तक, ऑलमोस्ट लाइक 5-6 डेज तक तो बिल्कुल भी नेल्स निकलते नहीं है, वो प्रेस ऑन नेल्स भी। मैंने नेल्स लगाए थे वही वाले, मैं क्या करती हूँ लगाने के बाद खुद से नॉर्मल नेल कटर से ट्रिम कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत लंबे बिल्कुल अच्छे लगते और फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऊपर ये वाली नेल पेंट लगा ली उसके और इतने सुंदर लग रहे थे, नेचुरल से लग रहे थे बट बहुत ज्यादा सुंदर। ये भी अराउंड 100 रुपीज ही मिल रही होगी, अभी आपको उतरती नहीं है ये बिल्कुल भी जल्दी। द शेड आमंड क्रम्बल 1010। मैंने ये वाले क्लिप्स खरीदे हैं, सो जैसे मैं मेकअप वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ या वैसे भी आपको मेकअप करना है एंड आपने स्टाइल करे हुए अपने बाल, तो कई बार नॉर्मल क्लिप्स लगाते हैं ना तो उसका निशान पड़ जाता है, बट ये वैसे नहीं है, ये ना एकदम प्लेन है देखो अंदर से भी, तो आप इसे लगाते हैं ना तो इट डजंट लीव इट्स मार्क देयर, तो आराम से इन्हें आप लगा सकते हैं मेकअप वगैरह करते हुए या जस्ट व्हेन यू वांट टू गेट योर हेयर अवे फ्रॉम योर फेस, एंड उतारेंगे तो आपके बाल बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये आपको मिल रहे हैं टोटल 8 क्लिप्स एंड यू विल गेट दीज फॉर अराउंड 98 रुपीज लाइक राइट नाउ ऑन अमेज़न, तो बहुत ही ज्यादा सही प्राइस है ये। आप सिर्फ मेकअप करते हुए क्या वैसे भी लगा सकते हैं, बड़े क्यूट से लगते हैं। एंड इसके बाद मैंने ये वाले मेकअप रिमूवर वाइप्स खरीदे हैं फ्रॉम दिस ब्रांड स्विस ब्यूटी, काफी अच्छा ब्रांड है तो इनके प्रोडक्ट्स भी आए न्यू की अच्छा ही आएगा, तो आप यहाँ से खोल सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट यूज द वाइप। अभी मैं आपको वीडियो शूट करने के बाद में मेकअप अपना रिमूव करके दिखाऊंगी इसी से। इसके अंदर ना 30 वाइप्स आते हैं, प्लस इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है, ऐसे नहीं कहूंगी कि बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत हल्का ऐसे माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है। जैसे मेरी तो इतनी सेंसिटिव स्किन है नहीं तो मैं तो यूज कर लेती हूँ। आपको ये 100 रुपीज का पैकेट मिल जाएगा तो बहुत ही ज्यादा सही है उस प्राइस के अंदर, प्लस क्योंकि ये दिया हुआ है तो वुडंट लाइक रून द पैकेजिंग, बस ऐसे यूज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट Guys don't know, then I use a face razor to clean the extra hair around my eyebrow and all. So this is the one that I use. I always buy these from Amazon. ये तो मैं legit like हर महीने या हर 2-3 महीने के बाद जरूर मंगाती हूँ। Now this comes in a pack of 6 और ये आपको सिर्फ 70 रुपीज में मिल रहे हैं अभी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। And these are from the brand called Tinkle. बड़े टाइम से मैं सिर्फ इन्हीं के ही यूज कर रही हूँ और बड़े आराम से जो भी एक्स्ट्रा फेशियल हेयर होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, बहुत जेंटल है, ऐसे थोड़ा स्लांटिंग वे में यूज करती हूँ मैं और बहुत प्रिसीजन के साथ हो जाता है मुझसे तो आराम से। अब इसके बाद मेरे पास एक और रिकमेंडेशन है, मैंने आपको पहले भी एक अपनी लिप बाम्स वाली वीडियो में दिखाई है, सो दिस इज बाय ब्लू हेवन, सो दिस इज देयर जेली एंड बटर लिप बाम। अंदर से ना ये हार्ट शेप के अंदर है, अंदर जेली जेली है, बाहर की तरफ टिंट है। मैंने अभी यही लगाई हुई है, मैं दोबारा लगा के दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है, हल्का सा टिंट आता है और बहुत क्यूट लगता है। मैं तो इसे ही अपनी चीक्स पे भी यूज कर लेती हूँ, टिंट तो हल्का सा आता है बट वो थोड़ी शीन सी आ जाती है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो आई लव दैट हाइड्रेटेड लुक, बहुत ज्यादा नरिशिंग, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। 99 से थोड़ा सा ऊपर है तो आपको ये 130-140 रुपीज तक मिल जाएगा, तो मैंने सोचा बहुत इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो इतना सा ऊपर भी है तो चल जाएगा। अब बजट छोड़ो, अब एक दो बोनस प्रोडक्ट दिखाती हूँ एक्स्ट्रा जो कि मेरे फेवरेट्स हैं, दैट आई ऑलवेज कीप विद मी नो मैटर वॉट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन, सो दिस इज
द डर्माकोस सन स्टिक. ये वैसे मुझे कोलैबोरेशन के लिए आई थी, बट जब से मुझे मेरे पास आई है ना, आई हैव बीन लिटरली यूजिंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे. माय फ्रेंड्स वुड अग्री. तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ ये मेरी पॉकेट में रहती रहती है. ऐसे लगाने के बाद डजंट इवन फील, ऐसे आपको पता भी नहीं चलता कुछ लगाया भी है बिल्कुल. और ये इट डजंट इवन मूव माय मेकअप अंडरनेथ. आई थिंक 99 के बजट में तो नहीं है, पक्का ज्यादा ही होगा, बट वैसे काफी अच्छा प्रोडक्ट है. और चीज मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ बोनस वाली जो हमारी रेंज से थोड़ी बाहर है, इज दिस लूमी क्रीम बाय मामा अर्थ. ये स्पॉन्सर नहीं है डर्माको या मामा अर्थ से, मैं जेन्युइनली यूज करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ. अब ये ना क्रीम बहुत मॉइस्चराइजिंग भी है, प्लस इसके अंदर भी लाइक दिस इवन दिस लीव्स अ वेरी वेरी नाइस शीन ऑन योर फेस. ऐसे बहुत हल्की सी शीन आती है इससे, ऐसे ग्लिटर पार्टिकल्स दिखते नहीं है बिल्कुल भी, यू कैन नॉट इवन टेल, बट बस ऐसे हल्की सी शीन प्रोवाइड करती है. हाइड्रेटेड लगती है स्किन. जैसे मैक की स्ट्रॉब क्रीम और वो सारे फॉर्मूला होते हैं ना, इसका बिल्कुल वैसा फॉर्मूला है. हमारे घर में क्या है ना, हम कोस्टर्स यूज करते हैं. हमारा बेड थोड़ा से आगे निकला हुआ है, तो वी कीप लाइक डिफरेंट स्टफ देयर, ग्लासेस और थोड़े गर्म भी दूध होता है कभी या कुछ, तो उसके नीचे रखने के लिए हम कोस्टर्स यूज करते हैं. सो आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon. ये वुडन से हैं और बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं. मैं घर से आते हुए लेके तो नहीं आई, बट मैं वीडियो बना के आई थी उसकी, मैं आपको देती हूँ स्क्रीन पे. ये वुडन से हैं, इसके अंदर आई थिंक 5-6 कोस्टर्स कुछ आते हैं और आप इन्हें यूज कर सकते हैं. ये भी आपको कुछ 100 rupees तक ही मिल रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ तो आप ये वाले ट्राई कर सकते हैं पर्टिकुलरली, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अच्छे लग गए हैं ये वुडन सी वाइब. So yes, you guys, that's it for this video. I hope आपको पसंद आई हो and बहुत सारे products तो आपके लिए useful भी रहेंगे अगर आप खरीदते हैं तो. And yes, that's it for this one and I'll see you in the next one. Sending you guys so much love.